आ इंडिया पर आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, थाने में जबरन रुपए छीनने और फर्जी मामले में युवक को जेल भेजना दरोगा को पड़ा महंगा। अदालत के आदेश पर दरोगा के खिलाफ दर्ज हुआ केस। कमलापुर थाने में दरोगा पर विश्वास के आपराधिक हनन का मुकदमा हुआ दर्ज। कमलापुर थाना इलाके में विश्वास सिधौली रोड पर वर्ष 2019 में एक दुर्घटना हुई थी, जिसके वादी जसराम राठौर निवासी मास्टरबाग से विवेचक दरोगा अब्बास राज ने रिश्वत मांगी। वादी के मुताबिक जब उसने रिश्वत नहीं दी तो दरोगा ने थाने बुलाकर जबरन उससे 30,500 रुपए छीन लिए और दुर्घटना को फर्जी दर्शाने के साथ जसराम के पास तमंचा बरामदगी दिखाकर उसे जेल भेज दिया। जेल से छूटने पर जसराम ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस महानिदेशक से की। वहां से भी न्याय न मिलने पर पीड़ित ने अदालत की शरण ली। अदालत के आदेश पर आरोपी दरोगा अब्बास रजा पर कमलापुर थाने में विश्वास के आपराधिक हनन का मुकदमा दर्ज किया गया। पीड़ित जसराम ने बताया कि अदालत में उसकी सुनवाई हुई है, अब उसे इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी है। 21/7/2019 को मेरे ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ था। रामप्रकाश आदि ने मुझ पर गोली चलाई थी, उसकी FIR दर्ज मैंने कराई थी। 307 में FIR दर्ज हुई और FIR के बाद विवेचना सैयद अब्बास रजा को मिली थी। तो विवेचना की वो हमसे रिश्वत मांग रहे थे कि विवेचना करने की रिश्वत दीजिए। मेरे द्वारा रिश्वत मना करने पर अब्बास रजा ने मुझसे जबरन थाने में मुझे बैठाल कर थाने के अंदर रुपया हमारे छीने और हमसे रिश्वत मांगी। जब मैंने रुपया छीनने का ये कहा कि हमारे रुपया वापस करिए, तो उन्होंने मुझे ही उस केस में उल्टा फंसा के फर्जी तमंचा लगा करके और मुझे 24 तारीख को जेल भेज दिया। ये थाने के CCTV कैमरे में सारे नोट न सब कुछ रिकॉर्ड था। मैंने जेल से वापस आने के बाद पुलिस महानिदेशक के यहाँ एक पत्र दिया, जिसमें CCTV कैमरे को तलब के लिए कहा गया। CCTV कैमरा तलब हुआ और देखा गया तो अब्बास रजा मुझसे नोट मेरे छीनते हुए नज़र आए, और ये भी देखा गया कि मैं वहाँ पे थाने में था जबकि फर्जी तमंचा लगा के वहीं से मेरी जेल भेज दिया गया था। फिर FIR 156(3) में मैंने कोर्ट में न्याय के लिए एप्लीकेशन डाली, आवेदन किया, जिसके आदेशानुसार अब्बास रजा पे 409 धारा अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। अब मुझे श्रीमान न्यायालय से आशा है कि मुझे आगे पूर्ण न्याय। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।